हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रजीत और आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय CET एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में, जिसका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और कैसे डाउनलोड करना है, स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस रहेगी। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हम लिंक ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ओके, CET 2021 रिजल्ट चेक, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, CET एग्जाम रिजल्ट चेक करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पर है CET 2021 रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, मैं डायरेक्टली इसके लिंक आपको दे दूँगा फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, इतनी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करके आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा फ्रेंड्स कि यह रिजल्ट मैं आपको किस तरह से चेक करना सिखा रहा हूं फ्रेंड्स, आप भी यह सीख सकते हैं। ओके, तो देखिए CET 2021 वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो अगला पेज वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 जो स्कोर कार्ड है वह जारी हो चुका है। ओके, ग्रेजुएशन 2021 पोस्ट ग्रेजुएशन 2021 दोनों का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अब इजीली आप इस लिंक पर क्लिक कर करके आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। DAV UG, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कीजिएगा, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है तो आप सेकंड वाली लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा और आप अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दो तरीके से अपना जो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पहला, एप्लीकेशन एंड पासवर्ड के थ्रू हम अपना जो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से भी हम अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आप दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, डेट ऑफ बर्थ अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ओके, या फिर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है दोनों पता है तो फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करके अपना जो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, स्कोर कार्ड चेक करने के लिए हमें अपने जो एप्लीकेशन नंबर है वह एंटर करना है और ये जो कैलेंडर दे रखा है फ्रेंड्स, और इस कैलेंडर के हिसाब से हमें डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा और राइट आपने जो एप्लीकेशन नंबर है वह एंटर कीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर एंटर करने के बाद आपको एंटर सिक्योरिटी पिन नंबर जो कैप्चा है फ्रेंड्स, ये कैप्चा है यहाँ पर आपको एंटर करना है। ओके, आपको जैसे ही एंटर करेंगे साइन इन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आप रिजल्ट पे जाकर अपना जो रिजल्ट है डाउनलोड करेंगे ईजिली। ओके, इस प्रकार से आप फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप अपना जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो चेक करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।